नमस्ते, मैं हूँ रंजनी और मैं हूँ निकिता। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। क्या आप हमें से एक और यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आपको कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए या कौन सा करियर बनाना चाहिए? इसलिए हम आज शो के साथ हैं जिसका नाम है ग्रीन इंटर्नशिप शो, जिसमें हम आज ऐसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार भर में अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अलग अलग कौशल सीख रहे हैं। उन्हें वह व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है जिसे वो शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। वे जैविक खेती, मशरूम की खेती, टिकाऊ उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कम्पोस्ट, पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन और कोडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ कार्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि ग्रीन इंटर्नशिप या ग्रीन जॉब क्या है? यह वह है जो टिकाऊ है, जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कम प्रदूषण करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, कच्चे माल का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है, भले ही वो सीधे तौर पे एक हरित उद्यम ना हो जैसे कि एक तकनीकी व्यवसाय। जब तक व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित नहीं होता, इस शो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप कौन से कौशल सीखेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, पेशेवर सेटअप में काम करना कैसा होता है, यह आपकी कैसे मदद करेगा और भी बहुत कुछ। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप स्वयं के बारे में जान पाएंगे, ना कि किसी और के अनुभव के आधार पर। उस व्यवसाय के बारे में जिससे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं टिकाऊ उत्पाद के बारे में। सख्ती से इस तरह से आपको छीलना है, ठीक है, इसे छील के यहाँ पे आगे करके बैठाइए, यहाँ बैठाइए। मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मेरा नाम मीरा कुमारी है। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंटर्नशिप के बारे में। चलिए बात करते हैं छात्रों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीला कुमारी है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और आप कहाँ रहती हैं? इसके बारे में रहती हूँ। आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट का इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रही हूँ। आप इस बिजनेस के बारे में क्या जानते हैं? मैं इस बिजनेस के बारे में जानती हूँ कि बात से क्या क्या चीज़ बनाए जा सकते हैं। आप इधर यहाँ पे स्लिप करेगा, ठीक है, इसको छील देना इस तरह से, ऐसे यहाँ से छील दीजिएगा ताकि पटाख से चिपक जाए, यहाँ से छील के हटा देना। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आपको अभी में से कोई प्रतिक्रिया मिला है और यदि हाँ तो क्या? पहले जैसे पहले हम लोग कुछ नहीं बनाने जान रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा जान गए हैं, जैसे बांस का कप, प्लेट और गुलदस्ता, बहुत सारे सामान बनाने जान गए। लकड़ी में ये वाला जो फेविकॉल है वो गोंद वो ज्यादा चिपकाएगा कंपैरिजन टू फेविकॉल। क्या आप हमें 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने सीखा है? जी, हम बता सकते हैं, जो समूह मिलकर काम करना, रचना करना, हार नहीं मानना, मेहनत करना और मोच करना। और आप इन कौशलों का उपयोग कैसे करेंगे? जी, हम कौशल का उपयोग बांस से कुछ बना के बाजार में जाके सेल कर सकते हैं, इसे हम उपयोग कर सकते हैं। मैं मार्केट में ले जाके उनको 2-7 पीस ले जाके सिंपल दिखाते हर दुकानदार को कि देखिए हमने ऐसा ऐसा सामान बनाया है, चलेगा मार्केट में, अपने बोलेगा हाँ या नहीं, जिसको पसंद आएगा तो लेगा, बोले हाँ, कोई 10 पीस कोई 20 पीस अपना अपना दुकान में बुलाया, नहीं बिका तो हम टेबल लगा के अपना किसी चौक पे बैठ के बेच सकते। क्या आपको अधूमे से कोई प्रक्रिया मिला है और यदि हाँ तो क्या? जी हाँ, पहले जैसे कुछ नहीं बनाने जान रहे थे, आप सीख गए हैं, जैसे बांस का कप, बांस का गुलदस्ता, बहुत सारे सामान बनाने सीख गए हैं। आप अपने मित्र और सहयोगी से क्या सुनने को मिल रहा? मेरी दोस्त हमसे पूछती है क्या वहाँ क्या सिखाए जाते हैं, तो हम उसको बताते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं। दस पीस गुलदस्ता बना लिए, 10 पीस फ्लेयर बना लिए या कप बना लिए, बहुत कुछ बनाते हैं बांस के सामान। तो हम कहीं पे गाँव में तो बिकता है, अगर हम चाहे तो चौक, पश्चिम पाली चौक है या उत्तर पाली, कहीं भी दुकान लगा सकते हैं, या 10 दुकान वहाँ पे खुद है, उसको हम इतना लेके चल गए, तो जितना दुकान उतना ग्राहक आता है, ठीक है, कभी हम लेके चल गए 50 पीस सामान, तो मान के चले 20-30 डिग्री हुआ, 30 पीस समय पर आया है, क्या हम हार मान जाएंगे? हार नहीं माना है, फिर कल होके जाना है, कल होकर हमको 10-30 डिग्री हुआ, फिर हार नहीं मानना है, फिर दूसरा रहा, हार नहीं मानना, दुकानदार को कभी हार नहीं मानना चाहिए,
सीखे, कभी बढ़ते क्रम में कभी घटते क्रम में। आप अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? मैं अपने युवाओं के लिए सलाह यही देता हूँ कि हमारे अगल बगल में बांस मिलते हैं और उससे कुछ सामान बनाया जाता है, जैसे कि गुलदस्ता और कफ और जैसे कि ड्रे वगैरह, और बिजनेस शुरू करें उससे। आज हमको अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब दोस्त एक साथ आते थे, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब दोस्त इन 10 दिनों में अलग हो जाएंगे। उसको छोटा बड़ा करते रहिए ना, एक दूसरे से छोटा एक दूसरे से बड़ा। को इस सीख मिला है कि अपने से हम कुछ भी कर सकते हैं, और बांस से तरह तरह के सामान सब बनाकर और जगह जगह सेल कर सकते हैं। और लड़कियों को तो बहुत मतलब क्या होता है ना कि बाहर में काम नहीं करने के लिए देते हैं, जितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, मगर मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी बेटी कहीं ना जाए काम करने के लिए। तो लड़की के लिए ये काम बहुत अच्छे हैं, और घर में ही बहुत अच्छे से काम करके सेल कर सकते हैं। या लड़की नहीं जाएगी तो फिर भी क्या हुआ, और किसी को वो देख कर वह अपना 2 पैसा कमा सकती है। आप अपने अनुभव के बारे में कुछ और बताइए। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, पहले कुछ नहीं जाने तब 10 दिनों के अंदर बहुत चीज़ सामान बनाने सीख गए हैं, और हमारा बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से, जैसे बहुत बांस का कप, बांस का गुलदस्ता, बहुत कुछ सीख गए हैं बनाने। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्न, इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी की बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमा देवी है। आप क्या करते हैं? हम बांस की तरह तरह का सामान बनाकर मार्केट में सप्लाई। आप किस जिले में रहते हैं? किशनगंज जिले में रहते हैं। आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किए? हमने ट्रेनिंग दिए थे कुछ साल पहले, हम समय रहते हुए बांस के सामान बांस खरीद कर अपने घर पे सामान बनाकर मार्केट में सप्लाई किए। छात्रों के प्रति आपका क्या मूल्यांकन? यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे से सीख गए हैं, कुछ वैसा है नहीं सीखे हैं भी सीख जाएंगे। क्या आपकी नज़र में कोई छात्र अपने कौशल के साथ खरा उतरा है? यहाँ के सभी बच्चे अच्छे हैं। वे कौन है, उनका क्या कौशल है? ऐसे बहुत सारे बच्चे जैसे बंटी है, शेखर है, क्या नाम दीपांकर है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि खरे उतरे हैं, जैसे डिजाइन विजाइन बना कर लेके आते हैं, जैसे गुलदस्ता हुआ, कप हुआ, बच्चे बना कर लेके आए। अपना व्यवसाय शुरू करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? कि बांस आस पास में ही मिलते हैं, जैसे सिखाए उन्होंने अच्छा सा अच्छा सामान, जैसे गुलदस्ता हो, कप हो, ट्रे हो, बहुत सारा सामान बनाया जाता है बांस का। बांस का अपना सामान बना के मार्केट में अच्छा से बेच सके, पैसा कमा सके। आइए देखते हैं दरभंगा में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं दरभंगे जिले से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि कुमारी है और मैं दरभंगे जिले से हूँ। मैं आज उपस्थित हूँ सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंटर्नशिप शो पर। तो चले चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुधि कुमारी है। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 9th। किस जिले से हैं? दरभंगा जिले से। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस पेशा के बारे में क्या जानते हैं? फिलहाल अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते। कितने दिनों की इंटर्नशिप है? 10 दिन की। क्या यह 10 दिन काफी है? काफी तो नहीं, उम्मीद है वैसे जानकारी के बाद हो जाएगी। क्या आप नर्वस हैं? नहीं। इस इंटर्नशिप को करके आप क्या सीखना चाहते हैं? मिथिला पेंटिंग बनाने का व्यवसाय करना। क्या आपको उद्यमी से कोई प्रतिक्रिया मिली है? हाँ मिली है, उसने कहा अच्छे से सीख कर व्यवसाय करो, आगे भी मदद करेंगे। आप अपने मित्रों से क्या सुन रहे हैं? उसने कहा मैं भी इंटर्नशिप करना चाहती हूँ और व्यवसाय करना चाहती हूँ। आप कौन से कौशल सीख रहे हैं? समूह में कार्य करना, नोट्स बनाना, योजना बनाना, पेंटिंग करना सीख रही हूँ। आज का दिन खत्म हो गया है, आपको कैसा लग रहा बहुत है? बहुत अच्छा सीख के खुशी हो रही है। क्या आप हमें 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने सीखा है? नोट बनाना, शोध करना, समूह में काम करना, पहल करना सीखा है। क्या आप हमें कुछ भी बता सकते हैं जो आपको सिखाना चाहिए था लेकिन आप नहीं सीख पाए? बेसिक जानकारी मिली है, लगभग सभी चीजें जानने को मिला है। अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? यह सलाह है कि वह भी इंटर्नशिप करें और अपना व्यापार शुरू करें। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों मिलना चाहिए?
क्योंकि बिना अनुभव प्राप्त किए व्यवसाय शुरू करना ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम दरभंगा जिले के उद्यमी से बात करते हैं। कृपया हमें अपना नाम बताएं। साहिदा प्रवीण। आप क्या करते हैं? मिथिला पेंटिंग का व्यवसाय करती हूँ। किस जिले में रहते हैं? दरभंगा जिले में रहती हूँ। आपने यह व्यवसाय कैसे शुरू किया? घर के लोगों से सीखा कोचिंग कर पेंटिंग, इसके बाद खुद का व्यवसाय शुरू की। छात्रों का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? छात्रों को हम सिखाते हैं, वो सीखने के बाद इस तरह पेंटिंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसी आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। क्या आपके नज़र में कोई छात्र अपने कौशल के साथ खड़े उतरे हैं? वे कौन है, उनका क्या कौशल है? हाँ, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यवसाय कर रहे हैं। कोई ऐसा छात्र है जो ट्रेनिंग लेकर सफल हुआ हो? हाँ। जो युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक है, उनके लिए आपके पास क्या सलाह है? जो युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए यही सलाह है कि पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें, इसके बाद व्यवसाय शुरू करें। आइए देखते हैं दरभंगा में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। आज हम मिलेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट से संबंधित इंटर्नशिप कर रहे युवाओं से और जानेंगे उनके स्किल्स के बारे में, और साथ ही जानेंगे इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक कलर से बनाए गए उनके कलाकृतियों के बारे में, और जानेंगे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आइए अब इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी है। आप कहाँ से हैं? मैं कटरबाड़ी दरभंगा से हूँ। क्या आपने इंटर्नशिप के बारे में पहले से सुन रखा था? जी हाँ, मैंने ग्रीन इंटर्नशिप के बारे में पहले से सुन रखा था। क्या आप इस इंटर्नशिप को करने के लिए नर्वस हैं? जी हाँ, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस इंटर्नशिप से क्या क्या उम्मीदें हैं? मुझे इस इंटर्नशिप से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके बदौलत फ्यूचर में मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को सस्टेनेबल प्रोडक्ट पे मिथिला पेंटिंग करना सिखला रही हूँ। इसमें हम लोग आज जो है वो बच्चों को दोपटा बनाना सिखलाए हैं, और उसके बाद दोपटा बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले हम लोग को पेंसिल वर्क करना था, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ सिखलाई हूँ बच्चों को, जो कपड़े पे डायरेक्ट किए हैं। उसके बाद इसमें ब्लैक से आउटलाइन किए हैं ये लोग, और उसके बाद उसमें कलर फिलअप किए हैं। तो इस तरह से ये लोग दोपटा का काम कर रहे हैं। आज का दिन समाप्त हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत सारी मजेदार चीजें सीखने को मिली है। क्या आप मुझे वो पांच कौशल बता सकती हैं जो आपने यहाँ सीखा? हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ टीम वर्क, कम्युनिकेशन, योजना बनाना, दृढ़ निश्चय और कभी हार ना मानना सीखा है। आप इन स्किल्स का उपयोग कैसे करेंगी? मैं इन स्किल्स का उपयोग फ्यूचर बनाने में और अपने बिजनेस में करूंगी। अभी आप लोग का जो क्लास चल रहा है, तो उसमें आप लोगों ने मिथिला पेंटिंग का डिजाइन बनाया है, और साथ ही आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट वर्क किया है, एक्टिविटी वर्क किया है। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे वो कुछ ऐसे मटेरियल पर जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो, जिसे हम लोग बनाए और मार्केट में सप्लाई भी कर सके और कुछ अर्न भी कर सके। तो आपको अपने ट्रेनर से कोई फीडबैक मिली है? हाँ, मुझे अपने ट्रेनर से यहाँ पे समय समय पे बहुत तरह के सुझाव मिले हैं, जिसमें कि रंगों का और लकीरों का कैसे उपयोग किया जाता है वो बताया गया है। क्या आप कुछ स्किल्स के बारे में बता सकते हैं जो आपने यहाँ सीखी? हाँ, मैंने टीम वर्क, दृढ़ निश्चय, कम्युनिकेशन, योजना बनाना और कभी हार ना मानना सीखा है। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम दरभंगा जिले के उद्यमी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ, और मैं अपना एक सेंटर चलाती हूँ, जिसमें बहुत सारे आर्ट और मिथिला पेंटिंग सिखलाए जाते हैं, और वो सामान बना करके बाहर भी अप्लाई होते हैं। आपने कहाँ से सीखा? मैं दरभंगा शहर से सीखी हूँ। आप अपने बिजनेस के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस क्षेत्र में मैं अपने कुछ बच्चे को इस कार्ड में लगाई हूँ, वो लोग ही काम करते हैं और उनके बनाए हुए सामान बाहर बाहर तक जाते हैं, ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने स्टूडेंटों, अन्य युवाओं को क्या सलाह देना चाहूँगी? मैं अपने युवाओं को यही सलाह देना चाहूँगी कि आज की डेट में कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता है, और अपना एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग गोइंग टू स्कूल में मैंने बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, और इसमें यही सिखलाया गया है कि हम लोग कोई भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, और उनके जरिए हम लोग अर्न कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं सारे बच्चे को, सारे युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग आर्ट के जरिए अपना नाम कमा सकते हैं और कुछ अर्न भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं दरभंगा में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। नमस्ते, मैं कल्पना कुमारी ग्राम पूरा पोस्ट वाईपुर भाईवाड़ा थाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा की रहने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साबिया खातून, मैं ग्राम भोपुरा प्रसन्न सिंहवाड़ा जिला दरभंगा की रहने वाली। आज हम सस्टेबल प्रोडक्ट के बारे में सीखने आए हैं, चलिए हम बच्चों से बात करते हैं। आप लोगों का क्या नाम है? मैं आशिफा खातून। मैं नसीबा परवीन। मैं नादिया। आप लोग किस जिले से हैं? हम लोग दरभंगा जिले से। आप किस इंटर्नशिप पे हैं? हम सस्टेबल प्रोडक्ट इंटर्नशिप। ये कितने दिनों की इंटर्नशिप है? 10 दिनों के इंटर्नशिप। क्या आपको लगता है ये काफ़ी है? जी नहीं, काफ़ी तो नहीं, लेकिन किसी भी बेसिक चीज़ को सीखने के लिए। आप इस पैसे के बारे में क्या जानती हैं? पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है, इसे कम लगत में शुरू किया। आप इस इंटर्नशिप को सीख के क्या उम्मीद करते हैं? हम इंटर्नशिप को सीख कर अपना बिजनेस प्राकृतिक कलर जो है वो बनाए कैसे जाते हैं वो तो पता है, जो प्राकृतिक कलर है फूल से बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से या होममेड कोई भी चीज़ है उस चीज़ों से कलर बनाते हैं, लेकिन कलर बनाते कैसे वो पता है आप लोगों को? नहीं। जैसे आपके घर में सभी लोगों के घर में हल्दी तो होता है, हल्दी पाउडर, तो जैसे केले का पेड़ आप लोगों के गांव में या कहीं भी केले का पेड़ जब अवेलेबल है, तो केले के पेड़ के जो जड़ होते हैं ना उसको निकाल के उसको आप अच्छे से उसका रस निचोड़ेंगे, तो वो रस क्या होता है किसी भी कपड़े पे या किसी भी कहीं पे लगाओ तो वो पक्का हो जाता है ना कलर, तो उसी में आप अगर हल्दी को मिक्स करेंगे तो वो पीला कलर बनेगा। हर श्रृंगार का फ्लावर जानती हो ना, श्रृंगार का फूल जिसके डंटी ऑरेंज कलर के होते हैं, उस डंटी को इकट्ठा करके और उसको पीस के उसमें केले का रस मिलाने से ऑरेंज कलर बनेगा। जो भी रेड फ्लावर होंगे आप लोगों के पास उसको निचोड़ के केले के रस में मिलाने से रेड कलर बनेगा। जितने भी लीव्स हैं, लीव्स को पीस के उसका कलर वो निचोड़िए रस और उसमें केले का रस मिलाइए तो वो, तो ये नेचुरल कलर है। आज का दिन खत्म हो गया है, क्या आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ सीखना चाहते थे जो कि नहीं सीख पाए हैं, क्या आप अगले इंटर्नशिप में सीखना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बहुत कुछ जो इस इंटर्नशिप में हम नहीं सीख पाए हैं और अगले इंटर्नशिप में सीखने की उम्मीद कर रहे हैं। आप इस इंटर्नशिप के 5 कौशल के बारे में बताइए। मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं को क्या सलाह देंगे? पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है, ये कम गलत शुरू किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्न्स इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम दरभंगा जिले के उद्यमी से बात करते हैं। सर, आप इंटर्नशिप के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सर, आपका क्या नाम है, आप किस जिले के हैं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम भगवान ठाकुर है, मैं दरभंगा जिला से हूँ और मैं पेंटिंग टीचर हूँ और बच्चों को पेंटिंग सिखाने का काम करता हूँ। सर, आपने व्यवसाय कैसे शुरू किया, क्या आप हमें बताएंगे? हाँ देखिए, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए उसकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो पहले आप अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद आजकल के इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको व्यवसाय करने में आपकी मदद करेंगे, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको लोन देगी, तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक अच्छा जानकार होना जरूरी है। देखिए, छात्राओं का मूल्यांकन मैं क्लास में जो बच्चे कितने सिंसियर होते हैं, कौन कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कौन आर्ट बनाने में कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी आधार पे मैं बच्चों का मूल्यांकन करता हूँ। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा छात्र है जो अभी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बहुत जगह पे उन्होंने अपना ये बिजनेस किया और बहुत सफल भी हुए हैं। आप व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, जो कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी जानकारी लेना सबसे ज़रूरी होती है, तो आप कोई भी चीज़, कोई भी व्यवसाय शुरू करें तो आप उसकी पहले जानकारी लीजिए, उस जानकारी के लिए आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि उसी के इंटर्नशिप के ही तहत आपको उसकी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से उस चीज़ को जान पाएंगे। और जब आप अच्छे से उस चीज़ को जानेंगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन, आप एक अच्छे व्यवसायी बनेंगे। धन्यवाद। तो आज हमने सीखा कि टिकाऊ उत्पाद कैसे बने, यह अब आपके पास है। अब आपने इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि आपने हमें काम करते और कार्य अनुभव प्राप्त करते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि हमें काम करते वक्त देखते समय आपने भी कुछ सीखा? हाँ, बहुत खूब। हमें लिखें और हमें बताएं कि आपने क्या क्या सीखा। और अगर आपको भी इंटर्नशिप करना है तो www.bointoschool.com पर हमारे साथ संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको इंटर्नशिप के रोमांचक सफर पर भेज सकें और 12वीं के बाद अपना करियर शुरू करने में मदद करें। फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का ये शो देखने के लिए। क्या आप सबको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? सुपर। क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? चलो, ये मौका भी है आपके पास। आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? एक्साइटमेंट तो होगी ही आज तक। तो चलिए, आप लोगों के पास मौका है एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखने का और एक या एक से ज्यादा ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप करने का। तो साइन अप करने के लिए उस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप। सो कौन कौन सी इंटर्नशिप आप कर सकते हो? बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ बायोगैस, और हाँ, और भी बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं इंटर्नशिप करके। ये जो आप सारा दिन हाथ में फोन पकड़े बैठे हैं, जरा उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ फायदा उठाइए, कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और साइन अप कीजिए आज ही फॉर ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए।